गुरु रामदास जी यात्री निवास, यहाँ से आपका स्वागत है। अभी मैं नांदेड़ में हूँ और आज हम गुरुद्वारा देखने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में। ये यात्री निवास, यदि आप यहाँ आते हैं और रुकना चाहते हैं तो ये काफ़ी बड़ा एक यात्री निवास बनाया गया है, आप यहाँ रुक सकते हैं। और ये सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन है। और यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे यात्री निवास में, यदि आप रुकना चाहें तो सिर्फ 150 रुपये में आपको रूम मिल जाता है। आइए अभी गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं। ये हम सामने यहाँ से आए हैं चल के गुरु रामदास यात्री निवास से। तो ये सामने गुरुद्वारे का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, आइए आगे चलते हैं। और ये गुरुद्वारे के साथ में ही दूसरा यात्री निवास जो 8-10 मंजिल का बना हुआ है, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ सिंगल को अलाउ नहीं करते हैं। सिंगल यदि आप हैं तो आपको बाबा रामदास जी का जो यात्री निवास है वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ आपको बड़े रूम हैं तो इकट्ठे यदि हैं तो आप रुक सकते हैं। और ये गुरुद्वारे के साथ नहीं है, ये इधर गुरुद्वारा है। आइए अंदर चलते हैं गुरुद्वारे में। ये सामने गुरुद्वारा और यात्री निवास जिसका मैंने अभी बात किया वो यहाँ सामने यात्री निवास, रेलवे स्टेशन। ये यात्री निवास काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। आइए गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं। और यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं, क्लॉक रूम यहाँ पर है, रिसेप्शन है ये गुरुद्वारे के पास में ही। और ये मेन गुरुद्वारा और ये इसका भव्य गेट। आइए चलते हैं। ये गुरुद्वारे के सामने से मेन इसका गेट। काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर बनाया गया है, एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया। ये देखिए आप, और ये गेट नंबर 1 है, यहाँ पर मेन गेट है ये। और ये सामने से इसका, और ये मेन गेट। बड़े बड़े झूमर लगे हुए, और ये सामने मेन गुरुद्वारा कंपाउंड। अंदर यहाँ से अंदर अलाउ नहीं है शायद, देखता हूँ। और ये अंदर आते ही चाय की सेवा यहाँ पर। और ये पूरा अंदर से व्यू, और ये निशान साहब, दो निशान साहिब यहाँ पर हैं। और यहाँ यदि आप कुछ दान देना चाहते हैं तो वो है, काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। और ये यहाँ अंदर की तरफ से मेन गेट का पूरा व्यू। और माइक में गुरुद्वारे से जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुन रही है आपको। और ये गुरु का लंगर यहाँ पर चलता है, लंगर हॉल है ये नीचे। और यहाँ से मैं आपको चारों तरफ घुमा के दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा कंपाउंड ये गुरुद्वारे का। और ये यहाँ मेन गुरुद्वारा, और ये निशान साहिब अभी जो हमने देखे, और इधर से हम आए हैं, अभी एंट्री की है गेट नंबर 1 से। और ये यहाँ सामने गेट नंबर 2। और ये पूरी चारों तरफ घूमती हुई बिल्डिंग 3 मंजिल की,
और एक इधर भी गेट। आइए लंगर हॉल की तरफ चलते हैं। और ये लंगर हॉल का व्यू, यहाँ से आप चम्मच है, प्याली है, या इधर जैसे ये यहाँ भी है, और वहाँ पर थाली थाली बाहर से लेनी पड़ेगी। और ये अंदर का एक व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। सतनाम वाहेगुरु। काफ़ी बड़ा ये लंगर हॉल, और थाली यहाँ बाहर से लेनी होती है। यहाँ पर थाली है, और यहाँ ये चाय का लंगर है। मीठी चाय आपको चाहिए, मीठी चाय आप ले सकते हैं चीनी वाली, और शुगर फ्री फीकी चाय चाहिए, टी विदाउट शुगर, तो भी आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ आराम से बैठ के आप चाय पी सकते हैं। सतनाम वाहेगुरु। चाय के लिए भी काफ़ी बड़ा कंपाउंड यहाँ पे बना हुआ है, और ये दरिया बिछी हुई है। यहाँ आराम से बैठ के आप चाय का अपना आनंद ले सकते हैं। जैसे ये हमारी चाय गर्मा गर्म भाप निकलती हुई। ये सादा खाना, दाल सब्जी, और ये चपाती, ऐसे आप आराम से बैठ के यहाँ पर खा सकते हैं। और यहाँ ये देखिए, ये बड़े लंगर में चटाई बिछी होती है, लेकिन साथ में ये सफाई भी चलती रहती है। जिन्होंने खाना खा लिया वहाँ पर गंदगी नहीं रहे, इसके लिए ये देखिए सरफ का पानी डाल करके, और उधर मशीन वो चल रही है, ये देखिए मशीन से सफाई यहाँ होती रहती है। और यहाँ आप यदि डोनेशन करना चाहें तो डोनेशन यहाँ कर सकते हैं। एक शर्त यहाँ ज़रूर है, जूठा आपको नहीं छोड़ना है, प्लेट के अंदर जितना खाना है उतना ही लेना है, और खाना खा के आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यदि आपको कुछ दान देना है तो ये पेटियाँ हैं, दान पेटियाँ, इसमें आप अपना दान डाल सकते हैं। और ये यहाँ पर जोत जल रही है, ये बाहर जाने का रास्ता। और ये सामने लंगर हॉल से बाहर निकलते ही बाहर का व्यू। अंदर फोटोग्राफी मना है, मैं अंदर जा के आया, लेकिन अंदर फोटो नहीं ले सकते, मैं आपको दूर से ही दिखा देता हूँ। लोग ये आ रहे हैं वापस, और ये पूरा सामने का कंपाउंड, और ये डोनेशन के लिए काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। फोटोग्राफी के लिए ये नियम है, इस हिसाब से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन अंदर कंपाउंड में, मेन कंपाउंड में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा अपना कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।